Hi guys, this is Pooja Gupta. Welcome to Media Mentor. Today, I'm going to talk about FTNMP. Because a lot of you guys are telling me, ma'am, FTNMP pe video kyun nahi banate ho? Because the reason is, guys, maine already sare information aapko de diye hain ki ye proper degree course hai, kaun se colleges mein aapko achha FTNMP course offer ho raha hai. Fees reasonable hai. It's one of the best course if you are somebody who wants to get into production or films. But इस वीडियो में मैं एडमिशन के बारे में बात करना चाहती हूँ 2022 का. फर्स्ट थिंग, कोई भी कॉलेज आपसे एंट्रेंस नहीं ले रहा है फॉर FTNMP, बिकॉज जितने भी कॉलेजेस FTNMP ऑफर कर रहे हैं वहाँ पे बाय डिफॉल्ट किसी भी कोर्स के लिए इन मुंबई नो एंट्रेंस एग्जाम इज देयर. सो नाउ, पहली बात तो आप जानते हो कि दिस ईयर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर अवेयर अबाउट FTNMP, इसलिए जो कॉम्पिटिशन होगा वो हाई होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज. बिकॉज पहले क्या था, 60 में भी KC कॉलेज में ईजिली FTNMP मिल जा रहा था. नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गोना ट्राई फॉर FTNMP इन KC एंड UPG. टुडे इज द फर्स्ट लिस्ट ऑफ KC कॉलेज, तो FTNMP की भी लिस्ट आ जाएगी आज. आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड कितने पे कट ऑफ हुआ एंड एवरीथिंग एंड अदर कोर्सेज की भी. बट ये जैसे कि स्पेसिफिकली FTNMP पे है तो मैं एम्फसाइज करके बोल रही हूँ, सारी चीज़ें मैं आपको अपडेटेड रखूंगी. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट UPG, गाइज अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, डू नॉट वरी, बिकॉज UPG मिठीबाई का ही पार्ट है. मतलब कि SKVM उनका जो पेरेंट ट्रस्ट है उसके अंडर ये सारे कॉलेजेस आते हैं. तो उन्होंने क्लियरली बोला था, दे गोना वेट फॉर CBSE रिजल्ट्स. तो हो सकता है इसके वजह से फॉर्म प्रोसेस नहीं हुआ हो. सो अगर आप अप्लाई नहीं कर पाए हो, डू नॉट वरी, अप्लाई हो जाएगा. एंड जो लोग अभी तक UPG को नहीं डाल पाए हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के लिस्ट में, प्लीज डू नॉट सर्च फॉर ऑटोनॉमस. रेगुलर के अंडर, FTNMP के अंडर आएगा UPG कॉलेज. मिठीबाई इज एन ऑटोनॉमस कॉलेज, बट UPG ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट KC का, जब फर्स्ट लिस्ट आ जाएगा, दे ऑल्सो गोना वेट फॉर CBSE स्टूडेंट्स. सो यस, यू हैव हाई चांसेस टू गेट इन KC एज वेल. CBSE प्लीज डू नॉट वरी, क्या आपका नंबर लगेगा? यस लगेगा. एंड कॉलेजेस जो कि अच्छे कॉलेजेस हैं, सारे ही वेट करने वाले हैं आप लोगों के लिए. नाउ अगर ये दो कॉलेज नहीं तो कौन सा कॉलेज, अगर आपका 50s और 60s में परसेंटेज आया है बट यू स्टिल वॉन्ट टू गो अहेड विद FTNMP, आई वुड सजेस्ट प्लीज गो टू DGMC. बिकॉज इंफ्रा है उनके पास, उन्होंने जस्टिफाई किया है अब तक ये कोर्स को. तो दूसरा ऑप्शन है DGMC एंड मुंबई यूनिवर्सिटी. आफ्टर UPG एंड KC कॉलेज, दीज टू कॉलेजेस आर देयर. इसके अलावा जितने भी कॉलेज हैं मैं उनके बारे में नहीं बोलना चाहती. अगर आपको मिल भी गया, आपकी चॉइस होगी, आप उसमें लो कि नहीं लो. बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि कॉलेज के पास गुड फैकल्टी, बेसिक फैसिलिटी तो होनी चाहिए. एटलीस्ट ये चार कॉलेजेस के मुझे रिव्यू आए कि भाई अच्छा कॉलेज है. एंड दोज ऑफ you guys who are not interested in communication, writing, advertising, journalism, please don't opt for BMM. FTNMP gonna be a better option for you guys if you love practical photography, editing, cinematography and being on the field. Please check the syllabus. Agar abhi bhi aap confused ho, still there is a chance that you can change your course and apply for something which is practical. Both the courses, BMM or FTNMP, dono ka syllabus mere videos ke description box mein aapko mil jayega. Maine इसके पहले चार FTNMP पे वीडियोस बनाए, तो आप वो जाके देख लीजिए. इन डिटेल और भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पे मिल जाएगी, आपको सिलेबस मिल जाएगा. दोनों एक साथ रखो, कंपेयर करो और फिर डिसाइड करो कि बॉस मैं BMM करना चाहता हूं कि मैं FTNMP करना चाहता हूं. लोग वाइडर स्कोप के लिए BMM करते हैं, बट गाइस लेट मी टेल यू, FTNMP करने के बाद भी आप जर्नलिज्म में जॉब कर सकते हो. ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे. सिमिलरली अगर आप BMM करोगे तो भी आप प्रोडक्शन में काम कर सकते हो. द ओनली डिफरेंस गोना बी कि यहां पे आपको प्रैक्टिकल मिलता है और यहाँ पे आपको सब्जेक्टिव थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स मिलते हैं. बट अगर आपका कॉलेज अच्छा है, जैसे कि जय हिंद, जेवियर्स, मिठीबाई, इन लोगों का बहुत ज़्यादा एक्टिविटी चल रहा होता है. सो जस्ट बैलेंस आउट गाइज. मेरा काम है कि आप लोगों को अवेयर करना, बिकॉज अब तक अवेयरनेस ही नहीं थी, अब अवेयरनेस आ गई है. तो कॉन्शियस कॉल लो और गलती मत करो. बाद में मत सोचो यार क्या लिखना पड़ रहा है एंड ऑल दैट. जस्ट मेक श्योर दैट यू गो थ्रू द सिलेबस एंड टेक अ राइट डिसीजन फॉर योर सेल्फ. रही बात कट ऑफ निकलना, फॉर्म फिलिंग कहाँ चालू है, कौन से कॉलेज में अभी भी चांस है अप्लाई करने का एंड एवरीथिंग, आई विल कीप यू गाइज पोस्टेड. कल आ रही है पहली लिस्ट 29th को मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस की, तो हमें पता चल जाएगा कि किस हिसाब से एडमिशंस का क्या चल रहा है. फॉर ऑल द अपडेट्स यू नो यू विल गेट एवरीथिंग ऑन माय चैनल, पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम, लाइव ऑन यूट्यूब, प्लस द वीडियो अपडेट, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रहे हैं मुंबई यूनिवर्सिटी के एडमिशन रिलेटेड. I hope guys the video was informative. Thanks for watching and stay tuned for a lot of such informative videos on Media Mentor. Don't forget to like, share and subscribe.